कक्षा तीन के लिए है, ये भाग की जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें है। तो हम 216 को दो से भाग देना है, मतलब दो बराबर भागों में उसको बांटना है। तो इसके लिए हम जो हमारे जो प्रचलित जो चल रहा है तरीका मेथड है उसे जैसे इकाई दाई सैकड़ा वंस टेंस हंड्रेड, तो हंड्रेड में ये टू है, तो उसी तरह से हम यहाँ पर हमने इसका जो क्वोशेंट है वो वन रखा। तो जैसा ये आ गया, अब इसमें से ये किया बाकी कर दिया जीरो हो गया। अभी हम इसको टेंस को यहाँ उतार लेंगे। अब हमारे पास क्या है, अब ये हो गया हमारे पास, इसमें हमें डिवाइड करना है, वन को टू से डिवाइड करना है। तो वन को टू से डिवाइड करना है, तो ये डिवाइड नहीं होता है, वन टू से डिवाइड नहीं होगा तीसरी क्लास तक उस लेवल के हिसाब से। तो हम यहाँ नहीं डिवाइड हो रहा, तो हमने जैसे जीरो लिखते थे पहले जो इनके पुराना जो पैटर्न है, और अब ये इस तरह पे आए, और इसके बाद में जो जो है इसका तरीका वो हम सिक्स यहाँ पे उतार रहे। तो वन नहीं हो रहा तो सिक्स उतार ले, तो अभी सिक्सटीन हो गया, सोलह हो गया, सोलह। पर बच्चा ये नहीं समझ पा रहा है कि जीरो क्यों आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि ये जो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा कि जीरो क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये जीरो क्यों, जो पुराने जो हमारे जो पैटर्न से चलते हैं उससे। अब हम आसानी से हम टू में सिक्सटीन में टू को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू एट या सिक्सटीन होता, तो इस तरीके से हमने इसको ये जो पैटर्न है जो पुरानी पद्धति है उसमें चला रहा है। लेकिन बच्चे बार बार में इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि भाई ये जीरो कैसे लिख दिया। कई बार बच्चे इसको यूँ करते हैं कि सिक्स भी यहीं उतार लेते हैं और ऊपर कहते हैं जीरो लग गया, ऊपर यूँ कहते हैं सिक्स भी यहीं उतार लिया और ऊपर जीरो लग गया। कई बार ऐसा करते हैं बच्चे। दो सोलह में जैसे दो संख्या बनाई, तो दो सौ सौ के दो नोट लिए, ढाई एक है, एक ढाई एक ली, और ये इकाई पे छह है, इसने एक एक के छह नोट, ये छह एक एक के छह नोट और दस का एक नोट ढाई और सौ सौ के दो नोट ये हमने लिए। तो इसमें हम सबसे पहले दो बच्चों को बुला लेंगे और दो बच्चों में एक एक बच्चे को ये नोट दे देंगे सौ का और एक सैकड़ा एक एक करेंगे, ठीक है, एक बच्चे को एक नोट और दूसरा। अब हर बच्चे के पास कितना आ गया, तो वो हम यहाँ पे क्वेश्चन हर बच्चे के पास सौ आ गया और टोटल दोनों के पास उसका ऐड किया तो वो दो सौ आ गया, टू हंड्रेड। अब ये इसमें से बाकी कर दिया। अब इसमें से क्या है, सोलह बचे, सोलह हमारे पास बचे। तो सोलह में जो ये एक दाई है, ये एक दस का एक नोट है, तो हम इसको दो बराबर दो लोगों में दो बच्चों में नहीं बांट पाएंगे बराबर बराबर, ठीक है। तो इसलिए नहीं बांट पा रहे दाई, इसलिए यहाँ पे ये जीरो ये लग गया वो लिखा। तो ये जो जीरो है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि दाई दाई को हम बराबर भागों में नहीं बांट पा रहे दो लोगों में, इसलिए ये जीरो लगा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे एक बार तो अब क्या हो गया, ये सोलह हो गया, सोलह इकाइयाँ होंगी, ऊपर तो एक दाई और वो छह इकाई थी, यहाँ पे हमने इसको इकाइयों में चेंज कर दिया, इसके बदले हम दस दस और ये छः, दस और छः सोलह, टोटल सोलह एक एक के नोट, मतलब सोलह इकाई होगी सोलह। अब इसमें क्या है, जैसे दो लोगों में दो बच्चों में देना है, एक इधर दे दिया, फिर ये और ये बांट दिया, फिर ये बांट दिया, इस तरह से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सोलह नोट्स का एक एक के। अब ये देखो कुछ भी नहीं बचा, मतलब बराबर बराबर बैठ गया, पहली बात तो ये बराबर बराबर दो लोगों में बैठ गया। अब हर जो बच्चे को जो मिला है वो एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, तो एक बच्चे को आठ है और इसमें भी आठ है, तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन में लिखेंगे प्लस आठ इस तरह से, और दोनों का आठ आठ सोलह, जैसा हमारा जो पहले प्रोसेस था कि दोनों का कुल लिखते थे यहाँ पे, तो ये सोलह यहाँ हो गया। अब इसमें से बात करिए, तो हमने ये देखा, अब इनको हमें ऐड करना है, ये जो ऊपर सारे हैं सौ प्लस जीरो प्लस आठ, तो इसलिए इसका जो क्वोशेंट है वो क्या आ गया, एक सौ आठ, ये क्वोशेंट इसका आ गया, ये रिमाइंडर जीरो है, तो इस तरीके से भी एक सौ आठ आ गया। तो ये हमने नोटों से कराने से काफ़ी बच्चों को ये हेल्प मिल गई कि भाई ये जीरो क्यों, यहाँ ये जीरो क्यों लिखा, इसको हमने इससे क्लियर कर दिया कि भाई आप दस के नोट को एक दस के नोट को दो लोगों में बराबर नहीं बांट पा रहे हो,
किस लिए वो जीरो लगा है। और ऐसा ही औरों में भी कर सकते हैं, अगर बड़ी संख्या है तो उसमें अगर सैकड़ा बराबर भागों में नहीं बांट सकते तो भी उसकी जगह आप बड़े हजार की संख्या हो तो जीरो लगा सकते हैं। तो इस तरह से इस ये जो ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें जीरो क्यों आया ये अच्छे से समझाने के लिए हमने नोटों की सहायता से इसको ऐसे ये योग करवाया, तो बच्चों को वो इसका रीजन पता चल गया कि यूँ जीरो आया है। और जी